हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कुकाश किड्स। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर 2 श्याम्स हॉर्स कार्ट। ये लेसन सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये लेसन इसके बाद हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। बच्चों स्टार्ट करते हैं। श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर। ये देखो, ये श्याम है, ये क्या है, हॉर्स कार्ट है ना, घोड़ा गाड़ी, इसमें बैठकर वो निकल पड़ा कहाँ जाने के लिए, फेयर। फेयर मतलब मेला। ओके, मेले में जाने के लिए वो निकल पड़ा। ऑन द वे मधु एंड मीरा सेड, कैन वी कम। ओह यस, सेड श्याम। मधु और मीरा उसको ऑन द वे मिले। ऑन द वे मतलब रास्ते पे जाते जाते दोनों उसको मिले और दोनों ने क्या पूछा, कैन वी कम, क्या हम आ सकते हैं। श्याम ने क्या कहा, जरूर आ सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, द डॉग सॉ देम, ही आस्क्ड कैन आई कम। ओह यस, सेड श्याम। अब ये डॉग है, उसको दूर से इन लोगों को देख रहा है, तो क्या बोलता है डॉग, कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। श्याम ने कहा आ सकते हो। तो अब देखो, दे वर गोइंग थ्रू द फील्ड्स, वो लोग फील्ड से गुजर रहे थे। फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत, मराठी शेती। वहां से वो लोग गुजर रहे थे, फिर क्या होता, द पीकॉक सॉ देम एंड आस्क्ड, कैन आई कम टू द फेयर। ओह यस, सेड श्याम। अब ये जो पीकॉक है वो क्या बोलता है, कैन आई कम टू द फेयर। श्याम क्या कहता है, हाँ जरूर, और वो लेके जाता है। तो देखो अब यहाँ पे श्याम के हॉर्स कार्ट पे कितने सारे लोग बैठ गए हैं, देखो ध्यान से। फिर क्या होता है, व्हेन दे वर क्रॉसिंग द रिवर, द फ्रॉग आस्क्ड, कैन आई कम टू द फेयर। ओह यस, सेड ऑल ऑफ देम। श्याम सेड, कम एंड सिट नियर मी। तो जब वो लोग रिवर क्रॉस कर रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे, तो वहां पे एक फ्रॉग आया। फ्रॉग ने क्या पूछा, क्या मैं तुम लोगों के साथ फेयर आ सकता हूँ। सबने मिलकर जवाब दिया, यस। और श्याम ने क्या कहा, कम एंड सिट नियर मी। कम एंड सिट नियर मी मतलब अब ये कार्ट पे जो जगह थोड़ी कम हो गई थी, तो श्याम ने कहा कि अब तुम मेरे पास आके बैठो। देखो यहाँ पे जो फ्रॉग है ना, जो फ्रॉग जब पूछ रहा था, वो यहाँ पे आके बैठ गया श्याम के पास में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दे सॉ द फेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब ये सब मिलके आगे आगे जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से, फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब दूरी से, क्या देखा, मेले को देखा, फेयर को देखा। द पीकॉक वॉज सो हैप्पी, इट स्प्रेड इट्स फेदर्स एंड स्टार्टेड डांसिंग। पीकॉक बहुत खुश हो गया। इट स्प्रेड इट्स फेदर मतलब ये जो है उसके पंख है, देखो पहले बंद थे ना, अब उसने स्प्रेड किया अपने फेदर्स को और नाचने लगा। बट वन फेदर टच्ड द डॉग्स ईयर, He sprang up and barked loudly. अब ये जो फेदर्स है ना, यहाँ पे हॉर्स, यहाँ पे एक डॉग बैठा था, वो डॉग के कान में एक फेदर चला गया, तो क्या हुआ, उसको बहुत जोर से खुजली हो गई। तो क्या किया उसने, He sprang up. Sprang up का मतलब है उछल जाना, to jump suddenly, एकदम से उछल गया, और बार्क करने लगा मतलब भौंकने लगा। अब यहाँ पे देखो, मधु वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब क्या है, घबरा गई थी, डर गई थी। मीरा फेल ऑन द फ्रॉग, द फ्रॉग फेल ऑन द हॉर्स। अब यहाँ पे देखो, ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पे मधु डर गई है, और क्या हुआ, मीरा जो थी वो गिरी फ्रॉग के ऊपर, और फ्रॉग कैसे गिर गया, किसके ऊपर गिर गया, हॉर्स पे गिर गया डर के मारे। द हॉर्स वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही रैन हेल्टर स्केल्टर। हुआ, अब हॉर्स तो आगे आगे देख के भाग रहा था, तो एकदम से जब फ्रॉग हॉर्स पे गिरा तो हॉर्स डर गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना फ्राइटेंड, तो हॉर्स भी डर गया, और हेल्टर स्केल्टर, रैन हेल्टर स्केल्टर मतलब यहाँ वहां घबरा कर भागने लगा। देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है, हॉर्स कार्ट पे सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। श्याम फेल ऑफ, देखो श्याम गिर गया इधर। Then मधु एंड मीरा also fell off. मधु और मीरा दोनों भी गिरे, fell off मतलब गिर गए नीचे। One by one,
ऑल ऑफ देम फेल ऑफ, सब लोग एक एक करके गिरे। देखो ये तो है, पीकॉक भी गिर गया नीचे। द हॉर्स केप्ट रनिंग एंड स्टॉप्ड व्हेन इट रीच्ड नियर द फेयर। अब हॉर्स आगे देख के भागा जा रहा था, हेल्टर स्केल्टर होके, मतलब घबरा के भागा जा रहा था। तो उसको तो पता ही नहीं कि सब लोग गिर चुके हैं जमीन पर। देखो इसका जो कार्ट है वो खाली है ना, तो सब लोग जमीन पे गिर गए थे। फिर भी वो भागता गया भागता गया। कौन भागता गया? हॉर्स भागता गया। और कहाँ पे रुका? इट स्टॉप्ड व्हेन इट रीच्ड नियर द फेयर। फेयर मतलब मेले के पास जब पहुंचा तो हॉर्स रुक गया। चम, मधु, मीरा, द डॉग, द पीकॉक एंड द फ्रॉग वर ऑल पेंटिंग व्हेन दे रीच्ड। तो ये जो सारे लोग हैं वो सब हॉर्स कार्ट की तरफ चलते हुए भागते हुए आ गए। और उस समय वो कैसे क्या कर रहे थे? दे वो पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब क्या होता है? हाँफना, जोर जोर से सांस लेना। और उनकी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। ओके, टिल देन द हॉर्स बिकेम क्वाइट एंड रिलैक्स्ड। इन द इवनिंग दे रिटर्न्ड हैप्पीली इन द हॉर्स कार्ट। तब तक जब तक ये सब लोग हॉर्स कार्ट तक पहुंचे, हॉर्स जो था वो रिलैक्स हो गया था, क्वाइट हो गया था, चुप हो गया था, और रिलैक्स हो गया था, शांत हो गया था। फिर ये लोगों ने सबने मेले में मजे किए, फेयर में मजे किए, और रिटर्निंग में मतलब सब काम, सब खेल के कूद के खरीद वरीद के हो गए, तो वो रिटर्न हो गए और हैप्पीली अपने हॉर्स कार्ट में बैठकर चले गए। सो चिल्ड्रन, आर वी रेडी फॉर द रीडिंग प्रैक्टिस? कोलू एंड ऑल द चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट। श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर। टू गो टू द फेयर। ऑन द वे, ऑन द वे, मधु एंड मीरा सेड, मधु एंड मीरा सेड, कैन वी कम? कैन वी कम? ओह यस, सेड श्याम। ओह यस, सेड श्याम। द डॉग सॉ देम। द डॉग सॉ देम। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, कैन आई कम? कैन आई कम? ओह यस, सेड श्याम। ओह यस, सेड श्याम। We were going through the fields. They were going through the fields. The peacock saw them and asked. The peacock saw them and asked. Can I come to the fair? Can I come to the fair? Oh, yes, said Shyam. Oh, yes, said Shyam. When they were crossing the river, when they were crossing the river, the frog asked. The frog asked, Can I come to the fair? Can I come to the fair? Oh, yes, said all of them. Oh, yes, said all of them. Shyam said, Shyam said, Come and sit near me. Come and sit near me. They saw the fair from a distance. They saw the fair from a distance. The peacock was so happy. The peacock was so happy. It spread its feathers. It spread its feathers. And started dancing. And started dancing. But one feather touched. But one feather touched. The dog's ear. The dog's ear. He sprang up and. He sprang up and. Barked loudly. Barked loudly. Madhu was frightened. Madhu was frightened. Meera fell on the frog. Meera fell on the frog. The frog fell on the horse. The frog fell on the horse. The horse was so frightened. The horse was so frightened that he ran helter skelter. That he ran helter skelter. Shyam fell off. Shyam fell off. Then Madhu and Meera also fell off. Then Madhu and Meera also fell off. One by one, all of them fell off.
One by one, all of them fell off. The horse kept running. The horse kept running and stopped when it reached near the fair. Near the fair. Shyam Madhu Meera. Shyam Madhu Meera. The dog, the peacock and the frog. The dog, the peacock and the frog were all panting. Were all panting. When they reached. Till then the horse became quiet and relaxed. In the evening, they returned happily. In the horse cart. Very good, children, and very good, Kolu. You all did so well. अब यहाँ पे क्या करना है? Number 2, listen, tell and write. आपको ये सुनना है, बोलना है और लिखना है. Okay, for example, one bird, many birds. यानी कि यहाँ पे जो singular दिया गया है, उसको plural बनाना है. One को many लिखना है और जो सिंगुलर वर्ड दिया गया है उसको प्लूरल बनाना है. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल अनेक वचन. ओके, तो अभी आप ये वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज कर देना और ये कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आंसर्स चेक कर लेना. ओके, सो चिल्ड्रन द आंसर इज रेडी. प्लीज चेक योर आंसर्स. वन डॉग, मैनी डॉग्स. वन हॉर्स, मैनी हॉर्सेस. वन फेदर, मैनी फेदर्स. वन थिंग, मैनी थिंग्स. One frog, many frogs. One peacock, many peacocks. One field, many fields. One river, many rivers. One banana, many bananas. One room, many rooms. Very good. अगर आप लोगों ने बराबर ऐसे ही आंसर लिखा है तो आपका राइट है, पर आपने यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स की है या कुछ गड़बड़ की है तो आपको करेक्शन करना होगा. ओके, नंबर 3, लुक एंड से. आपको लिखना है और बोलना है. ओके, हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट. पिकॉक, पिकॉक. फील्ड्स, फील्ड्स. फेयर, फेयर. कम, कम. नियर, नियर. फ्रॉग, फ्रॉग. अगेन, अगेन. पेंटिंग, panting. Quite, quite. Happily, happily. Sprang, sprang. Very good. Okay, बच्चों यहाँ पे जो नंबर 4, नंबर 5 क्वेश्चंस है वो हम नीचे करते हैं. ओके, नीचे की स्लाइड में आप देखेंगे. नंबर 4, राइट हु वेंट टू द फेयर विद श्याम. श्याम के साथ फेयर में कौन कौन गए थे? Answer, Madhu, Meera, the dog, the peacock and the frog went to the fair with Shyam. Madhu, Meera, dog, peacock, frog, ye sab milkar Shyam ke saath fair gaye the. Number 5, why did the horse run helter-skelter? Horse jo tha, wo dar kar idhar udhar kyun bhagne laga? Answer, the horse ran helter-skelter because he got frightened when the frog fell on him. Horse dar kar yahan wahan ghabrahat mein bhagne laga kyunki frog uske upar gira tha. Right? Number 6, classify the following animals as domestic animals and wild animals. यहाँ पे कुछ animals के नाम दिए गए हैं, उसको आपको classify करना है. Classify मतलब अलग अलग करना है, अलग अलग group में अलग अलग करना है, domestic animals के group में और wild animals के group में. तो आप एक एक नाम पढ़ोगे और या तो यहाँ पे लिखना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉग है तो आप कहाँ लिखोगे? डोमेस्टिक एनिमल में. आप ये वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके ये आंसर कंप्लीट करके फिर आंसर्स चेक कर लेना. ओके, सो किड्स द आंसर्स आर रेडी. डोमेस्टिक एनिमल्स के नीचे आप लिखेंगे डॉग, हॉर्स, काउ, कैट. वाइल्ड एनिमल्स लायन, एलिफेंट, फ्रॉग, पीकॉक. कि अगर आपने आंसर्स एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे हैं तो आपके आंसर्स राइट है. अगर आपने कोई भी गड़बड़ की है तो आप करेक्शन कर सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 नीचे के स्लाइड में हम देखेंगे। तो बच्चों नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 व्हीकल्स, किसी भी 5 वाहनों के नाम लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मोटरबाइक, कार, एम्बुलेंस, बस, ट्रक। नंबर 8, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी इन फेयर, फेयर यानी कि मेले में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो वो सब आपको लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैरी गो राउंड, टॉय शॉप्स, स्वीट्स, जाइंट व्हील, टेंट्स एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। नंबर 9, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके लेटर्स आगे पीछे कर दिए गए, तो इसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है यानी कि सही वर्ड ढूंढकर लिखना है। तो आप ये वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर देना और उसके बाद आंसर्स ढूंढना और उसके बाद आप आंसर्स करेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप बच्चों आपको आंसर्स मिल गए होंगे। प्लीज अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। हॉर्स कार्ड, सेकेंड वाला है पीकॉक, थर्ड है फील्ड, फोर्थ है टॉय और लास्ट है फेयर। सो ये सब अनस्क्रैम्बल करके राइट वर्ड्स हमने ढूंढे हैं। आपको चेक करना है कि आपने सारी स्पेलिंग्स करेक्ट लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।